नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफ़ी दिनों से बच्चे सिर्फ एक वैकेंसी के बारे में पूछ रहे हैं। सर, 1 साल होने वाला है, पूरा का पूरा 1 साल से ऊपर हो चुका है और एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। वो आपका एग्ज़ाम है रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम। जिस समय ये नोटिफिकेशन आया था उसी समय ये हो रहा था कि आपका 600 समथिंग पोस्ट, अप्रॉक्स 694 के अप्रॉक्स पोस्ट थी, आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आ जाएगी विद इन 2 से 3 महीने। उसकी भी कोई खबर नहीं है कि आखिर वो कब तक आएगी। इन चीज़ों को लेकर बच्चे काफ़ी परेशान हैं, तैयारी करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, अब होगा 2 महीने बाद होगा 3 महीने, कोई भी संतोषजनक उनको जवाब नहीं मिल रहा। एक्चुअली जब हम लोग भी आयोग गए पता किए तो हमें भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। एक ही चीज़ें बोली जाती है, आप वेबसाइट देखते रहिए आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन कुछ आरटीआई के थ्रू और कुछ इंटरनल जो लोग वहाँ पे हैं वहाँ से अगर हमने खबर निकाली है तभी मैं आपके सामने आया हूँ। जनरली वैसे हम लोग जल्दी आते नहीं हैं। तो कब होगा एग्ज़ाम डेट, मैं आपको 100% तो नहीं, एक अप्रोक्सीमेशन के साथ आपको बता सकता हूँ कि अब क्रिया जो है चालू है। आपका UPPRP भी देख रहे होगे, अभी ASI का मेडिकल डेट भी रिजल्ट आने के बाद रोक दिया गया था। ठीक है, मतलब उतनी सुचारू रूप से नहीं चल रहा था, नहीं तो ऐसा हो रहा था कि रिजल्ट के बाद तुरंत मेडिकल करा के ज्वाइनिंग हो जाती। अभी तक काफी समय हो चुका था, लेकिन वहां पर भी एक केस के चलते यहां पर मेडिकल पे थोड़ा सा रोक लगा हुआ था। अब क्या हुआ है, मेडिकल के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, वो भी आपका अभी ऑफिशियल नहीं आया लेकिन एक विभागीय नोटिफिकेशन के जरिए पता चला कि आपका 26 तारीख से मेडिकल स्टार्ट है। तो ASI वालों का मेडिकल ये पूरा जैसे हो जाएगा ऑलमोस्ट मान के चलिए, और इनका मई तक ज्वाइनिंग वाइनिंग लेटर भेज के इनको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं UPPRPB बोर्ड जो है अब आपका एक तरह से बोला जाए कि रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम, चाहे जो इनके पेंडिंग नोटिफिकेशन है उस पर काम करेगी। तो अगर हम बात करें कि रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कब होगा, जो हमें पता चला है तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि इसकी प्रक्रिया जो है जुलाई से चालू हो जाएगा, जुलाई मिड से स्टार्ट हो जाएगा। आपका सेंटर कहां पड़ रहा है, क्या है, जो 3 एग्जाम है तीनों एग्जाम कंडक्ट कराना ऑफलाइन मोड में होगा, अब प्राइवेट एजेंसी कराएगी। तो जुलाई मिड या लास्ट से आपका एडमिट कार्ड वाला जो प्रोसीजर होता है एग्जाम सेंटर, आपको पता चल जाए कि कहां पे आपको कौन सी सीटी मिल रही है। और मान के चलिए अगस्त से स्टार्ट होगा एग्जाम आपका, अगस्त से सितंबर तक जाने के चांस है। ये मैं एक अप्रोक्सीमेशन जो वहां पे कुछ लोग बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। आप लोगों के काफी प्रश्न थे कि सर रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कब होगा। मैं यही बात करूंगा कि आप लोग इसके साथ साथ आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका एक वीडियो का एग्जाम UPSSC है जो जून में होने वाला है उसको भी आप लोग थोड़ा देखते रहिए। ये थोड़ा लंबा जा रहा है, अगस्त सितंबर तक आपका एग्जाम जा रहा है। इसी के साथ जो दूसरा प्रश्न था आप लोगों का कि कंप्यूटर ऑपरेटर का नोटिफिकेशन हमें कब मिलेगा, बच्चों ये तो तय है कि ये वैकेंसी जो है इसी साल आएगी, ये कन्फर्म है, लेकिन कब आएगी ये अभी कोई हमें जवाब नहीं मिला है। तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि अगर ये ASI का ज्वाइनिंग वाइनिंग होने के बाद, हो सकता है कि जुलाई उलाई के अप्रोक्स में आपसे बोलूं कि जुलाई के अप्रोक्स इसके भी नोटिफिकेशन हमें देखने को मिले, लेकिन अभी इस पर कोई आयोग के द्वारा वहां से जवाब नहीं मिला। बस हमें जो वहां पे लोग हैं वो भी 100% नहीं रहते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है पब्लिश होगी उसी दिन, ये बात ध्यान रखना। बस बातें चलती रहती हैं उसी बातों से हम होते हैं, लेकिन आप लोग इतना कमेंट करते हो, इतनी बात पर पूछते हो कि मुझे आना पड़ा कि हाँ आप लोगों को बता ही रहे कि अभी समय लगेगा इन सब चीजों में। हाँ, अगर समय लगेगा तो हमारी एज भी तो जा रही है, यही हाल यूपी कांस्टेबल का भी है, इसका भी कुछ 100% कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए सभी वैकेंसियां इसी साल आपको देखने को मिलेगी। अगले साल नहीं, अगले साल एग्जाम हो सकता है इन सबका, लेकिन नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो ये कहां जाएगा, अगर हम एज हमारी चली जाती है तो क्या हमें रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अभी हम देखें कि सेंट्रल की जो CRPF की एक वैकेंसी आई थी ट्रेडमेंट वाली, 10,000 के अप्रोक्स में पोस्ट था, उसमें सेंट्रल ने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। तो ये हमें मानना है कि अगर ये लेट विभाग कर रहा है, 1.5 साल से हमें सुना रहा है कि वैकेंसी आ रही है आ रही है आ रही है, कहां लटक गई है, किस रफ्तार से चल रही है कुछ नहीं पता,
तो हमें पूरी कोशिश करना है कि जो बच्चे लास्ट स्टेज पे हैं, क्योंकि लास्ट स्टेज वाले बच्चे ही ज्यादा परेशान हैं, सर नोटिफिकेशन नहीं आया, मेरा किसी कारणवश एएसआई का पेपर गड़बड़ हो गया था, एसआई गड़बड़ हो गया था, तो मैं कंप्यूटर ऑपरेटर में भरना चाहता हूं और मेरे लिए वो ड्रीम जॉब है, और एज अगर मेरी बाहर हो गई, एज रिलैक्सेशन नहीं मिला हम लोगों को, लास्ट स्टेज पे है और एक साल से ये वैकेंसी सुनी जा रही है, उस समय मैं एलिजिबल था, अब एलिजिबल नहीं हूं, तो ऐसी जो परेशानियां हैं तो जरूर आप लोगों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। अगर कुछ इस प्रकार की दिक्कत आती है, जो भी कोशिश हो सकता है टीम के द्वारा हम लोग करेंगे कि कोर्ट में आपके अकॉर्डिंग रिट्स डाला जाए, जैसे हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में डाला गया था सीआरपीएफ के तहत कि इतने सालों से वैकेंसी नहीं आई थी, तो कुछ ना कुछ एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जब आप लोग खुद साथ में होंगे और भी जो हमारे इंस्टीट्यूशन है साथ में रहेंगे, तो इन सब चीजों पर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार भी आपके ही हित में काम करना चाहती है। ठीक है, तो और जैसे ही हमें कोई इंफॉर्मेशन पता चलती है कि आपका कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा, इसी सिक्वेंस में आपका एग्जाम का प्रिपरेशन चलता रहे। जो आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर अगर हम बात करें रेडियो ऑपरेटर में, सब्जेक्ट है साइंस में, फिजिक्स के क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, तो इस फिजिक्स के स्पेशल क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से बेसिक से लेकर आलोक सर आपसे लाइव होंगे अगले मंडे से, और इसका पूरा का पूरा शेड्यूल आपका कैसे क्लास चलेगा, कितनी बेहतरीन तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर बैच में आप देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको उन्होंने फिजिक्स पढ़ाया है, जीरो से एकदम हीरो लेवल की आपका एक भी प्रश्न, और जिस भी एग्जाम में आपका फिजिक्स पूछा जाता होगा ना, अभी बीएसएफ की नई वैकेंसी आई है उसमें आपका फिजिक्स पूछा जाएगा, जिनमें भी फिजिक्स का वैसा लगता है कि फिजिक्स से डर लगता है हमें, तो वो क्लास आप कर लेना, फिर बोल देना कि अब डर नहीं लगता है, और ये नेक्स्ट मंडे से ये ध्यान रखिएगा ये स्टार्ट होगा, और इसका जो टाइम होगा ना आपको, ठीक है, टाइम जो होगा शेड्यूल कब ये होगा आपको परीक्षा प्लस टेलीग्राम चैनल पर पता चल जाएगा। आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको इस क्लास की जो ये फिजिक्स स्पेशल क्लास है बाय आलोक सर, ये आपको वहां पर देखने को मिलेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, नेक्स्ट मंडे से पूरा जीरो से हीरो तक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी नोटिफिकेशन हमें मिलती है इस वैकेंसी से रिलेटेड, यूपी पीआरपीबी बोर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी नोटिस आता है हमें, तो हम जरूर आपके सामने आएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, किसी के बारे में आप जानकारी चाहते हो, तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।